तो देखो इसकी रेडियस मान लो आर वन है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी चाहिए, आर टू ले लो, लेंथ मान लो एल है, और लेंथ बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान सकते हैं, क्या होती थी बताओ, सिलेंडर के आउटसाइड से सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सब पढ़ा हुआ है, 2k लैम्डा बाय r, और इनसाइड हॉलो सिलेंडर के इनसाइड क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। देखो पुरानी क्लास का हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जो आज पढ़ रहे हैं वो कल यूज होगा। देखो फॉर्मूले खोल के लिखवाए थे, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इनसाइड आउटसाइड सब लिखवाया था, ये दोनों हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 2k लैम्डा बाय r, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इनसाइड क्या था, इनसाइड जीरो है ना, इनसाइड जीरो थे, जैसे होलो स्फीयर के अंदर जीरो, इनसाइड होलो सिलेंडर के अंदर भी जीरो होती है, ठीक है क्या, ठीक है चलो करते हैं। अब मुझे क्या तुम्हें करना है, तो इधर इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना क्यू चार्ज मान लो, इसके अंदर वाले सरफेस पे कितना आ गया, माइनस क्यू। इस बार पोटेंशियल कैसे लिखोगे ये तो बताओ, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा था सिलेंडर में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगाओगे इस बार, dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखो ट्राई करो, होता है तो, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ, चलो देखो चलो करते हैं। चलो इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस डायरेक्शन में, 2k लैम्डा बाय r, अंदर वाले के कारण और बाहर वाले के कारण जीरो, क्यों पता है ना होलो के अंदर, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट बड़े वाले के लिए तो इनसाइड है तो उसके हिसाब से जीरो है, और इसके लिए आउटसाइड है तो इसके हिसाब से 2k लैम्डा बाय r, और dr वेक्टर भी हमारा सेम डायरेक्शन में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया तुम्हारा, चेंज इन पोटेंशियल dv इक्वल टू माइनस e इंटू dr, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, e dr cos 0 डिग्री, ठीक है, तो dv इक्वल टू माइनस e कितना है, 2k लैम्डा बाय r dr, यही है, इंटीग्रेट कर दो, तो पोटेंशियल मान लेते अपन को प्लस वाले के ना, तो जब स्मॉल r r1 है तो पोटेंशियल कितना है, इसका v प्लस मान लेते हैं, इसका v माइनस मान लेते हैं, जब स्मॉल r r1 है तब पोटेंशियल v प्लस है, जब स्मॉल r r2 हुआ तो पोटेंशियल v माइनस हो गया, तो v माइनस माइनस v प्लस कितना आया, करें इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 2 के लैम्डा तो बाहर आ गया, 1 बाई r का इंटीग्रेशन ln r, और लिमिट रखेंगे तो रख देना फटाक से, ये तो आता है ना ln r ln r2 माइनस ln r1, ये तो कई बार हो चुका है, ln r2 by ln r1 ln r2 divided by r1 है ना, तो देखो अब हमको तो क्या चाहिए, v प्लस, v क्या होता है तुम्हारा, v प्लस माइनस v माइनस, कहा था ना हमें पॉजिटिव वाले में से ये चीजों का ध्यान रखना है, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को माइनस करना है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा ln r2 by r1, अब c क्या होता है निकाल दो, c इज q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और तुम लैम्डा को क्या रख सकते हो बताओ, q by l, लैम्डा क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ln r2 by r1, हो गया, अब k को क्या रख सकते हो, 4 pi epsilon naught, तो 4 pi epsilon naught, और l ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 है, ln, नहीं ln नीचे आ रहा है, ln तुमने ऊपर कैसे कर दिया, ln नीचे आएगा, तो तुम्हारा आ गया कैपेसिटेंस आया 2 pi epsilon naught into l ln r2 by r1, ये तुम्हारा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का, तो इसमें माइनस है, मान लो इधर पे प्लस है, इधर पे माइनस है, एक कैपेसिटर, ये दोनों मिलके बन गए, एक कैपेसिटर, ये दोनों मिलके बन गए, तो ये दो कैपेसिटर्स इन सीरीज हो जाएंगे है ना,